नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष स्वागत करता हूं आपको अपने इस YouTube चैनल पे। देखिए, एक बहुत बड़ा न्यूज जूनियर इंजीनियर के लिए निकल के सामने आ रही है। ये यूपी का न्यूज है, तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ यूपी वाले बच्चे के लिए ये न्यूज है, क्योंकि कहीं से भी कोई भी बच्चे इसको भर सकते हैं। सबसे बड़ा न्यूज ये है कि 2016 में जो भर्ती प्रक्रिया हुई थी जूनियर इंजीनियर का जल निगम में, उसमें काफ़ी फर्जीवाड़ा हुआ था। उसकी वजह से जो 853 जो जूनियर इंजीनियर का बहाली हुआ था, उनको बर्खास्त किया जाएगा और नए सिरे से फिर से भर्ती प्रक्रिया चालू हो जाएगी। यानी कि 1-2 महीने के अंदर ये फॉर्म निकल जाएगा, ऐसा इस पेपर के कटिंग में लिखा हुआ है। ये जो पेपर है दैनिक जागरण का है, 9 जुलाई का पेपर है। अगर आपके पास दैनिक जागरण आता होगा तो आप चेक कर सकते हैं, 9 जुलाई का 10वां पृष्ठ पे ये छपा है न्यूज। देख लेते हैं न्यूज में क्या लिखा हुआ है। नौकरी से बाहर होंगे जल निगम के 853 जूनियर इंजीनियर। लिखा हुआ है, अनियमितताओं के बीच भर्ती हुए 853 जूनियर इंजीनियर को जल निगम ने नौकरी से बाहर करने की तैयारी कर ली है। निगम के प्रबंध निदेशक ने हाई कोर्ट में शपथ पत्र देकर बताया कि 2016 में हुई परीक्षा में अब दागी और बेदाग परीक्षार्थियों को अलग करना संभव नहीं है, इसलिए सभी की सेवा समाप्त कर नए सिरे से भर्ती की जाएगी। निगम ने 3 हफ्ते में जूनियर इंजीनियर की सेवा समाप्त कर अगले 4 महीने में नई भर्तियां करने की योजना बनाई है। यानी कि आप ये मान लें कि आपका दिसंबर तक सब चीज़ हो जाएगा क्लियर, क्योंकि आपको बता रहा है यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे आपको दिखाऊं तो अगले 3 हफ्ते यानी कि 1 महीने के अंदर आपका उनका सेवा समाप्त कर दिया जाएगा और उसके अगले 4 महीने में ये वैकेंसी निकाली जाएगी, जो 853 को जो बर्खास्त किया जाएगा। और उसके बाद जितने भी 853 तो होंगे ही और भी पहले से खाली सीट होंगे, यानी कि तकरीबन 1000 तो जरूर वैकेंसी इसमें निकलने जा रही है यूपी में जूनियर इंजीनियर की। ठीक है, तो देख लेते हैं आगे क्या लिखा हुआ। सपा सरकार के दौरान बस 2016 में जल निगम ने 1300 पद पर भर्तियाँ की थी, जिसमें 853 जूनियर इंजीनियर शामिल थे। इन परीक्षाओं को आचार संहिता का उल्लंघन करार दिया गया था। वहीं परीक्षा में गलत प्रश्न पूछे जाने, मेरिट के मुताबिक साक्षात्कार में अभ्यर्थियों को न बुलाने और परिणाम घोषित होने के बाद कंप्यूटर सिस्टम पर इसे लॉक न किए जाने सहित कई बातें परीक्षा की सूचिता पर प्रश्न चिन्ह लगा रही थी। निगम की विभागीय जाँच में भी परीक्षा की प्रक्रिया को दूषित पाया गया था। इस क्रम में निगम प्रबंध ने सभी 853 जूनियर इंजीनियर की नियुक्ति निरस्त करने की तैयारी कर ली है। और आजम खान से भी कुछ पूछताछ होगी, क्योंकि ये मंत्री रहे उस समय सपा सरकार में जल निगम के। ये बहुत बड़ी न्यूज है उन अभ्यर्थियों के लिए जो कि जूनियर इंजीनियर का तैयारी कर रहे हैं, यूपी से बिलोंग करते हैं, तो उनके लिए तो और भी अच्छी खबर है, क्योंकि उनको तो और भी छूट मिलेगी। लेकिन बाहर से जो बच्चे फिल करते हैं फॉर्म, उनके लिए भी अच्छी खबर है, क्योंकि 50% में बाहर वाले तो भर ही सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं इसमें जो वैकेंसी निकलेगी वो अच्छी खासी निकलेगी और आप इसको क्वालिफाई जरूर करेंगे। अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि इस तरह का न्यूज आप तक आसानी से पहुंचती रहेगी आपसे रिलेटेड। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।